हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स वक्त। अब हम लोग बात करेंगे उमेश चंद्र कॉलेज के बारे में। इसका पूरा का पूरा रिव्यू हम देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अब तक आपने अगर प्रीवियस जितने भी कॉलेजेस के वीडियो मैंने बनाए हैं वो आपने अगर नहीं देखा तो इसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ये कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है, तो बिल्कुल आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अभी कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एडमिशन चालू नहीं हुआ है, लेकिन जब भी चालू होगा मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अब जानते हैं उमेश चंद्र कॉलेज के बारे में। सबसे बहुत बढ़िया कॉलेज है, कॉमर्स का कॉलेज है और यहाँ पर सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम का पढ़ाई होता है। यहाँ पे कॉलेज का आप लोग बिल्कुल ओवरव्यू देख सकते हैं। उमेश चंद्र कॉलेज, जिसको सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये कॉलेज का आपका ओवरव्यू रहेगा। और अब बात करें, अब नेक्स्ट बात करें हम लोग कि ये लोग मतलब उमेश चंद्र कॉलेज का लोकेशन कहाँ है। लोकेशन देखिए कि 13 सूर्य सेन स्ट्रीट, लाल बाजार, कॉलेज स्क्वायर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, 712। ये आपका लोकेशन रहेगा उमेश चंद्र कॉलेज का। आप लोग बस आप लोग मैप वैप में भी देख सकते हैं उसको अच्छे से, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जानेंगे कि ये सिर्फ कॉमर्स को ट्रीट करता है, मतलब सिर्फ कॉमर्स को टीच करता है। जैसे यहाँ पे कोर्स मतलब ये कोर्सेज क्या क्या ये टॉट करते हैं, सिर्फ कॉमर्स, बोथ ऑनर्स एंड जनरल यहाँ पे होता है। ये 3 साल का ऑफ कोर्स होता है, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, सिर्फ इतना ही कोर्स टॉट होता है यहाँ पे। ओके, और कॉमर्स वालों के लिए ये कॉलेज सबसे बेहतर कॉलेज है। सीट्स के बारे में जान लेते हैं। तो बीकॉम ऑनर्स के लिए रहता है 1000 सीट और बीकॉम जनरल के लिए रहता है 200 सीट्स। बस इतने ही सीट्स अवेलेबल हैं, इसीलिए आप लोग में से ऑफकोर्स जो अच्छे अच्छे परसेंटेज लाए होंगे उसी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये कॉलेज बहुत स्पेशल कॉलेज है। ये कॉलेज बहुत अच्छा वाला कॉलेज माना जाता है कॉमर्स के लिए, ठीक है। इसके बाद एडमिशन नॉर्म्स देख लेते हैं। एडमिशन नॉर्म्स क्या क्या चाहिए आप लोगों को, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुन लीजिए आप लोगों को। प्लस आप लोगों को सबसे पहले तो 12वीं ऑफकोर्स मतलब ये 10+2 तो क्लियर करना ही पड़ेगा। और 10+2 क्लियर करने के बाद, और 10+2 या तो कुछ भी इक्विवेलेंट डिग्री, आईएससी, सीबीएसई या कोई भी अदर बोर्ड से, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोगों को बीकॉम के लिए वेट, एडमिशन क्राइटेरिया अगर हम बीकॉम ऑनर्स के लिए देखें तो बीकॉम ऑनर्स के लिए जनरल वालों को 50% चाहिए और 50% इन एग्रीग्रेट एंड 45% इन सब्जेक्ट और रिलेटेड सब्जेक्ट, 55% इन सब्जेक्ट और रिलेटेड सब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो आपको 50% चाहिए पूरा एग्रीग्रेट में और 45% जिस सब्जेक्ट में आप ऑनर्स करना चाहते हैं। और आप एससी एसटी से हैं तो बस 40% मार्क्स चाहिए आपको एग्रीग्रेट में और 40% मार्क्स आपको यहाँ पे कोई वो रिलेटेड सब्जेक्ट से उठाना पड़ेगा जो सब्जेक्ट से आप ऑनर्स करने वाले हो। मैं बता दूं कि ये सिर्फ अप्लाई करने तक सीमित है और एडमिशन आपका कट ऑफ के बेसिस पे होता है, जैसा कट ऑफ रहता है उसके बेसिस पे होता है। ये आप लोगों के बस एप्लीकेशन फॉर्म भरने तक के सीमित है ये सब सारे परसेंटेज। इतने परसेंटेज आप लोग लाए हैं तो बिल्कुल एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। फॉर बीकॉम जनरल स्टूडेंट तो 30% बस एग्रीगेट आप लोग उठा लिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं आप लोग, अगर जनरल में आप लोग बिल्कुल एडमिशन लेना चाहते हैं तो मिनिमम 30% तो चाहिए, ठीक है। तो ये टर्म्स एंड पॉलिसीज सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं उमेश चंद्र कॉलेज को, देखिए umeshchandracollege@gmail.com और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी इनका दिया हुआ है। आप लोग बिल्कुल इन नंबरों पे आप लोग बिल्कुल इंक्वायरी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, और भी डिटेल्स पाने के लिए ऑफकोर्स वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फीस स्ट्रक्चर के टॉपिक पे। सर फीस कितना लगेगा? अब देखिए फीस यहाँ पे पूरा का पूरा टोटल अमाउंट आपका 5000 लग जाता है। 5000 सिर्फ 12 मंथ्स के लिए, सिर्फ एक साल के लिए, मतलब एक साल में आपका 5000 लग सकता है बीकॉम ऑनर्स के लिए, ठीक है, 5000। और बीकॉम जनरल अगर आप लोग करना चाहते हैं तो 4680, ज़्यादा फर्क नहीं है, बस 300 रुपये का फर्क है, 4700 आपका बीकॉम जनरल में आपका लगेगा, ठीक है, फीस ब्रेकअप, ठीक है। तो बीकॉम ऑनर्स का आपका 5000 लगेगा और बीकॉम जनरल का 4700 लगेगा। मैं बता दूं कि ये 3 साल का नहीं है, ये हर साल आपका लगने वाला है। इट मीन्स कि 3 साल में आपका 15000 के अप्रोक्स खर्चा है, ठीक है। उसके बाद देखिए,
उसके बाद देखिए कि प्लेसमेंट कहाँ कहाँ मिलती है। प्लेसमेंट यहाँ पे जैसे गूगल में दिया हुआ है कि अराउंड 90% ऑफ द स्टूडेंट गेट प्लेस्ड इन आवर कोर्स, द हाईएस्ट सैलरी इज ऑफर्ड 4 लाख पर एनम। बीकॉम के लिए ऑफकोर्स 4 लाख पर एनम बहुत ज़्यादा ही है, और ऑफकोर्स 90% स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं जॉब। अब आगे की बात करते हैं, तो ये दोस्तों इतना ही तक बात था, और तो जस्ट ये टॉपिक बचा नहीं है। तो ये मैं आशा करता हूँ कि मैं फुल फ्लेश्ड इन्फॉर्मेशन दे पाया उमेश चंद्र कॉलेज के बारे में। बहुत बेहतरीन कॉलेज है कॉमर्स के लिए, अगर आप लोग एडमिशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। और भी कुछ इंक्वायरी पूछना है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं सबके रिप्लाईज देता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बिल्कुल अच्छे से कर दीजिए। अभी तक आपने और भी कॉलेजेस के रिव्यूज़ नहीं देखे हैं, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में से आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है। थैंक यू।